विधानसभा क्षेत्र इंदौरा के तहत काठगढ़ में ऐतिहासिक शिव मंदिर का 3 दिवसीय जिला स्तरीय महाशिवरात्रि महोत्सव भव्य शोभा यात्रा और मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना महिलाओं के लिए लाई सौगात। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम हमारी 5वीं गारंटी को पूरा करने जा रहे हैं। 18 साल से ऊपर की 80 साल तक की सभी जो हमारी महिलाएं हैं उनको हम इस वित्तीय वर्ष में 1500 रुपया मासिक पेंशन देने की घोषणा करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गारंटी थी। हिमाचल सरकार की कथनी और करनी में नहीं है कोई भेद। वादे निभाए हैं, वादे निभाएंगे। हिमाचल सरकार का है वादा। आयुष कानून युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री यादविंदर गोमा ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मंत्री गोमा ने कहा कि यहां के जिला स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव को राज्य स्तरीय महोत्सव का दर्जा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने मंदिर कमेटी को पार्क की उसारी के लिए 10 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। साथ ही मंदिर कमेटी को भी अपनी ओर से 21,000 रुपए की राशि देने की घोषणा भी की। दूसरी ओर विधायक मलिंदर राजन ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने मंदिर कमेटी की ओर से मंदिर में विकास कार्यों के लिए रखी गई मांगों का समर्थन किया। बता दें कि इस प्राचीन मंदिर में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ दिखाई दिया। शिव भक्त शिव के रंग में रंगे हुए दिखाई भी दिए। बता दें कि शनिवार को काठगढ़ में ऐतिहासिक शिव मंदिर का 3 दिवसीय जिला स्तरीय महाशिवरात्रि महोत्सव की शुरुआत हुई थी, जिसकी अब भव्य शोभा यात्रा और मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के साथ संपन्न हुआ है। विधानसभा क्षेत्र इंदौरा के तहत काठगढ़ में ऐतिहासिक शिव मंदिर का 3 दिवसीय जिला स्तरीय महाशिवरात्रि महोत्सव भव्य शोभा यात्रा और मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान आयुष कानून युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री यादविंदर गोमा ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मंत्री गोमा ने कहा कि यहां के जिला स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव को राज्य स्तरीय महोत्सव का दर्जा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने मंदिर कमेटी को पार्क की उसारी के लिए 10 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। साथ ही मंदिर कमेटी को भी अपनी ओर से 21,000 रुपए की राशि देने की घोषणा भी की। दूसरी ओर विधायक मलिंदर राजन ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने मंदिर कमेटी की ओर से मंदिर में विकास कार्यों के लिए रखी गई मांगों का समर्थन किया। बता दें कि इस प्राचीन मंदिर में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ दिखाई दिया। शिव के रंग में रंगे हुए दिखाई भी दिए। बता दें कि शनिवार को काठगढ़ में ऐतिहासिक शिव मंदिर का 3 दिवसीय जिला स्तरीय महाशिवरात्रि महोत्सव की शुरुआत हुई थी, जिसकी अब भव्य शोभा यात्रा और मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के साथ संपन्न हुआ है। विधानसभा क्षेत्र इंदौरा के तहत काठगढ़ में ऐतिहासिक शिव मंदिर का 3 दिवसीय जिला स्तरीय महाशिवरात्रि महोत्सव भव्य शोभा यात्रा और मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान आयुष कानून युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री यादविंदर गोमा ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मंत्री गोमा ने कहा कि यहां के जिला स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव को राज्य स्तरीय महोत्सव का दर्जा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने मंदिर कमेटी को पार्क की उसारी के लिए 10 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। साथ ही मंदिर कमेटी को भी अपनी ओर से 21,000 रुपए की राशि देने की घोषणा भी की। दूसरी ओर विधायक मलिंदर राजन ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने मंदिर कमेटी की ओर से मंदिर में विकास कार्यों के लिए रखी गई मांगों का समर्थन किया। बता दें कि इस प्राचीन मंदिर में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ दिखाई दिया। शिव के रंग में रंगे हुए दिखाई भी दिए। बता दें कि शनिवार को काठगढ़ में ऐतिहासिक शिव मंदिर का 3 दिवसीय जिला स्तरीय महाशिवरात्रि महोत्सव की शुरुआत हुई थी, जिसकी अब भव्य शोभा यात्रा और मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के साथ संपन्न हुआ है।